हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं दोलारी बाबा जी के पास। और अम्मा है, अर्पित है और मैं हूँ, मम्मी है। हम जा रहे हैं सब दोलारी बाबा जी के पास और जाएंगे, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं दोलारी के लिए और अभी रोड पर ही हैं और चलते हैं, आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पहुँचेंगे और बीच में नदी भी पड़ती है, आपको दिखाएंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नदी पर। ये देखिए रोड, ये गंगा नदी है। ये करीबन 200 या 300 मीटर का पुल होगा। ये सारे में नदी फैली हुई है और मुरादाबाद से आ रही है। मुरादाबाद से इधर रामपुर साइड की तरफ जा, हम पहुंच चुके हैं अब राम गंगा नदी के पुल पर। और ये भी काफ़ी बड़ी है, ये मुरादाबाद से चल कर आ रही है और पता नहीं इधर को कहाँ किधर पर जा रही है। ये पानी है, इनमें पानी कम चलता है, मतलब जितनी बड़ी है उतना पानी नहीं चलता है, थोड़ा कम पानी चलता है। अगर अच्छा लगेगा ना तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय शंकर, जय माला। आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से लखनऊ 340 किलोमीटर है और काशीपुर 58 किलोमीटर और रामपुर की दूरी 20 किलोमीटर है। और रामपुर से हमें थोड़ा पहले जाना है, तो वहाँ एक पुल पड़ता है, पुल के नीचे यहाँ से करीब 7 या 8 किलोमीटर रामपुर है और इसी रोड पर एक पुल पड़ेगा और पुल के नीचे वो दूसरी साइड को रास्ता जा रहा है, उधर हमें जाना है। और वहाँ से फिर एक वो पड़ता है फाटक, ट्रेन का फाटक पार करने के बाद लेफ्ट साइड एक रास्ता जा रहा है, हमें उस रास्ते पर जाना है और 3 या 4 किलोमीटर उसी रास्ते पर जाना है। ऊपर हनुमान नाम नदी है। दोस्तों, इस रोड पर 3 नदी पड़ती हैं और तीसरी नदी ये है रजौड़ा नदी। और इसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद पुल आएगा और पुल की साइड से हमें पुल के नीचे को निकलना है और दूर। जिस पुल की मैं बात कर रहा था ये है वो पुल। और हम अब यहाँ से सीधे जाएंगे, सीधा जाने के बाद पुल के नीचे कट है, उस कट से पुल क्रॉस करेंगे नीचे से, फिर दूसरी रॉन्ग साइड पहुँच जाएंगे। रॉन्ग साइड से 100 मीटर चलना है शायद, उसके बाद राइट हैंड साइड पे एक फाटक पड़ता है। उस फाटक कैसे हो गया कैसे, हाँ वो ज़्यादा टक गया। अरे यार, मैं वीडियो बना रही थी। पुल क्रॉस कर लिया है हमने, सीधा पहुँच गए हैं। यहाँ से थोड़ा सीधा जाना है अब, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद फाटक है। अब यहाँ से राइट लेना है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे फाटक पर। फाटक देखते हैं खुला हुआ है या नहीं, ये शायद बंद है फाटक, हमें खड़ा होना पड़ेगा, वेट करते हैं खुलने का और फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। कर दीजिए। हमारी गाड़ी की एसी खराब हो चुकी है, ठंडा नहीं कर रही है, कूल नहीं कर रही है, दिखानी पड़ेगी, इसका फिल्टर चल गया शायद। इंतज़ार हुआ ख़त्म और ट्रेन चलने लगी है। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेन कब चलेगी कब चलेगी, गर्मी में मर गए थे, एसी भी स्लो काम कर रही है, कूलिंग कम कर रही है और अब ट्रेन चली है। तो इसके बाद हम चलते हैं, भूख भी बहुत लगी है, चलते हैं। अब ट्रेन को बाय करने का समय आ गया है, तो बाय करते हैं और चलते हैं, आगे दिखाते हैं।
ये चपाल दिखाते हैं चपाल है। लग रही है बार बार टप टप बोल रही है, देखो कितना बेकार रोड है। भैया पकौड़ी किस रेट है? पकौड़ी 25 कितनी लेनी है? 25 ग्राम, एक किलो ले ले, आधा किलो कर दो। सही है, 100 पोए। पकौड़ी लेके हम निकल चुके हैं और खाएंगे आगे। और कौन सा गाँव है अम्मा? ये दोलारी गाँव भी आ चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस 500-600 मीटर होगा बस। चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाबा जी का धाम। दोस्तों बाबा जी की गली आ चुकी है, लेकिन गली में गाड़ी नहीं जाएगी तो आगे स्कूल पर खड़ी करनी पड़ेगी। ये है गली और हम गाड़ी आगे खड़ी करेंगे, गाड़ी इधर खड़ी कर देंगे हम, और गाड़ी खड़ी करने के बाद पैदल जाना पड़ेगा। गाड़ी पार्क कर दी है और हम जा रहे हैं, पैदल जाना पड़ेगा बाबा जी के धाम तक। देख चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हाँ, ये बाबा के धाम जाने की गली है छोटी सी, ये देखिए, ये देख लो ये सवार रहे हैं। चलते हैं और दिखाते हैं आपको धाम। ये गलियों में मोड़ है बार बार, बहुत सारे मोड़ हैं, और उसके बाद आया बाबा जी का आश्रम, छोटा सा आश्रम, तो घर में करते हैं पूजा पाठ। चलते हैं, ये सामने आने वाला है, दिखाते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए बाबा जी के घर और दिखाते हैं आपको। बाबा जी अंदर है, अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है तो दिखा नहीं पाएंगे। ये देखें बाबा का आशीर्वाद लेके चलते हैं वहाँ। अम्मा और मम्मी आ चुकी हैं, अब हम चलते हैं, भूख लग रही है, पकौड़ी खाएंगे। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख लिया नाम, लिख लिया भाई, चलो देख लिया। अब हम चलते हैं यहाँ से, देखिए आशीर्वाद लेके चलते हैं गुरु जी का, गाड़ी तक पहुँचते हैं, आशीर्वाद लेके हम चल चुके हैं और गाड़ी पे जाके दिखाते हैं और पकौड़ी खाएंगे, भूख लग रही बहुत तेज, चलते हैं गाड़ी पे। चलिए
गाड़ी पे पहुंच चुके हैं और गर्मी बहुत हो रही है, गाड़ी के अंदर हीट निकल रही होगी, तो पहले स्टार्ट करेंगे और बाद में बैठेंगे। मैं खोलता हूँ गाड़ी और स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद एसी चलाएंगे। एसी थोड़ी कम चल रही है, बेकार हो चुकी है, फिल्टर में धूल आ गई है, गर्मी हो रही है इसमें, और एसी चलाता हूँ मैं स्टार्ट करके, फिर चलते हैं। ना, ये देखो ये भुक्कड़ तो वैसे भूखा है, आते ही इसने पकौड़ी खोल दी और भूख लग रही है मुझे, सबको सब खाते हैं नहीं है? और मिलते हैं खाने के बाद आपको। तो चल चुके हैं यहाँ से, हम पकौड़ी खा ली और भी लेंगे पकौड़ी, भूख लग रही है, चल चुके हैं। फिर वही टूटा हुआ रास्ता और ऊबड़ खाबड़, और चलते हैं यहाँ से, चलते आगे। हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं, देखो ये लेकर जा रहे हैं काट के। पुलिस वाले भी झुका सकते पुष्पा क्यों ना झुका सकते, पुलिस वाले झुका नहीं सकते इसे, क्योंकि इसमें पुष्पा है, लाल चंदन जा रही है। पीला कैसे पड़ गया, कलर तो गया, कच्चा कलर था इसमें। फाइनली दोस्तों हम अमरोहा पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट लगेंगे, उससे पहले सीएनजी पंप है, सीएनजी डलवाएंगे और उसके बाद अमरोहा पहुंच जाएंगे, फिर घर चलते हैं और ब्लॉग को समाप्त करते हैं। घर चलने के बाद सीएनजी पे लगा दी है और थोड़े टाइम बाद हमारी इसके बाद हमारी गाड़ी लगने वाली है, सीएनजी डलवाते हैं। दोस्तों घर पहुँच गए, अब आराम करते हैं थोड़ी देर, और सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम करेंगे और वीडियो करते हैं ख़त्म।